जोधपुर में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मिलेट मैन ऑफ द इंडिया पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर खादर वली ने भाग लिया। महोत्सव के दौरान विशेषज्ञों ने मिलेट्स के बारे में अपने विचार रखे। विशेषज्ञों ने कहा कि मिलेट्स को अपने आहार में शामिल करके कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, साथ ही इससे शरीर को पोषण मिलता है। हमारा खाना और हमारा तरीके हम खो बैठे हैं ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के अंदर। हमको हमारा खाना हमारा रसोई घर में वापस लाना है, क्योंकि हम हमारा स्वास्थ्य हमारा रसोई घर में खो बैठे हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में हमके टैबलेट्स के बिना और MRI पेट स्कैन कैट स्कैन के बिना और कुछ नहीं मिलता है। स्वास्थ्य तो हमारा आहार से जुड़ा हुआ है। देश की जो परंपरागत अनाज है उसमें औषधीय गुण है, तो हम अगर उसको अपनाएंगे तो हम किसी भी प्रकार के औषधि की हमको आवश्यकता नहीं है। ये हमारे जो पद्मश्री प्राप्त किए कृषि रत्न जिनको प्रधानमंत्री जी ने और खोज के निकाला, ऐसे डॉक्टर श्री खादर वली जी को जोधपुर के अंदर लेकर के आए। आपने आज देखा होगा इन्होंने बहुत ही तरीके से बहुत बड़े जन समुदाय के बीच में इस विषय को रखा है कि मिलेट्स का उपयोग कीजिए। मोटा अनाज जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का बहुत जो है ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जो चीज़ें हैं उन सब का उपयोग कैसे हो, मोटे अनाज को और छोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात की है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने आम जन के बीच में ये बात रखी है। किस प्रकार से हम एक एलोपैथी दवाइयों को मुक्त करें, क्योंकि एलोपैथी दवाइयों का किसी न किसी रूप में साइड इफेक्ट होता है, और हमारा आयुर्वेदिक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को हम अपनाएं, और इस प्रकार योग के द्वारा और पुराने जो मोटे अनाज हैं जिनको आज हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, उन अनाजों का उपयोग करते हुए हम कैसे इन दवाइयों से दूर रहें और विषाक्त जो केमिकल है उनसे दूर रहें, इसको लेकर आज हमने ये कार्यक्रम किया।